नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि तेलंगाना बोर्ड का एग्ज़ाम का फॉर्म निकल चुका है, वहाँ का फॉर्म फिलअप चालू हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये इन्फॉर्मेशन मिली है तो ठीक है, अच्छी बात है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भैया, हम पहले से जानते हैं। अगर नहीं तो आप पूरी वीडियो वॉच करना, आपको फुल डिटेल मिलेगी कि एग्ज़ाम डेट कब से है और एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप फाइनल डेट कब तक रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है और उसके बाद क्या क्या चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कौन से लोग भर सकते हैं, कौन से लोग नहीं भर सकते हैं, सब सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि मैं इस चैनल पर आपको ज्ञान वर्धक के साथ साथ अब जॉब भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी नोटिफिकेशन आती है कि मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ थोड़ा शेयर करूँ। वो होगा, जो भी मेरे पास नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन आएगी, मैं वीडियो के लास्ट में डाल दिया करूँगा और आप लोग अपना CV रिज्यूमे वहाँ पे सबमिट करके, कॉल करके, बात करके अपना जॉब सेटल कर सकते हो। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि गुजरात बोर्ड का एग्ज़ाम जैसे एंड होगा, मैं नोटिफिकेशन वीडियो के लास्ट में डालना चालू कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को करते हैं शुरू समय न गवाते हुए। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन, क्या नोटिफिकेशन निकल के आया है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, बॉयलर बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकल के आया है बॉयलर अटेंडेंट का, वो कुछ इस प्रकार है। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है हम देख लेते हैं थोड़ा। ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बॉयलर डिपार्टमेंट बॉयलर अटेंडेंट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। बोलता है दोस्तों, द तेलंगाना स्टेट बॉयलर अटेंडेंट एग्जामिनेशन बोर्ड हैज़ द डिसाइडेड टू काउंट द बॉयलर अटेंडेंट एग्जामिनेशन इन द ईयर 2023। ओके, अब देख लेते हैं। इन दिस रिगार्ड एप्लीकेशन इन वाइट फॉर्म द कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट एग्जामिनेशन विच आर बी हेल्ड इन द जुलाई अगस्त 2023। कुल मिला के कहा जाए तो ये इनवाइट कर रहा है आपको कि आपका बॉयलर एग्ज़ाम का डेट निकल गया है, आप लोग, स्वागत है आपका, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें एक वेबसाइट भी दिया गया है जिस पे आप विजिट करके देख सकते हैं। और दोस्तों, जो भी आपका काउंटिंग होगा 30/4/2023 तक ही काउंटिंग होगा, याद रखिएगा 30/4/2023 तक आपका एक्सपीरियंस लेटर हो या फिर एज लिमिट हो, वो सब 30/4/2023 तक ही काउंटिंग होगा। अभी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट एग्जामिनेशन का क्वालिफिकेशन क्या होगा। यहाँ बोल रहा है कैंडिडेट फॉर ए सर्टिफिकेट फॉर कंपनी एज बॉयलर अटेंडेंट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल नॉट बी देन 20 ईयर एज passes the certificate of second class bowler attended the examination unless। मिला के यही है कि आपका फर्स्ट क्लास के लिए 20 साल का उम्र पूरा होना जरूरी है। उसमें क्या है, 2 साल आपका सेकेंड क्लास का लाइसेंस का पूरा हो जाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आपका जो लाइसेंस है, आप जो जॉब किए हो, वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हीटिंग सरफेस एरिया पे होना चाहिए दोस्तों। कुल मिला के ये फर्स्ट क्लास वालों के लिए है, और इसमें आपको ₹500 पे करना पड़ेगा। और किसी भी, आप जाहिर है कि आप फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो तो सेकंड क्लास किए होंगे तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट तो होगा ही होगा आपके पास। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नोटिफिकेशन में क्या कह रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो निकल के आई है सेकंड क्लास वालों के लिए, वो देख लेते हैं। इसमें सीधा सीधा बोलता है, ए कैंडिडेट ए सर्टिफाइड कंपनी बॉयलर अटेंडेंट
ऑफ द सेकेंड क्लास शैल बी नोटेड 18 ईयर एज, मतलब कुल मिला के यहाँ 18 साल आपका एज होना चाहिए और किसी भी संस्था से SSC या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद 2 ईयर का फार्मेन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 ईयर किसी भी फीटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद छोटा सा कोई भी प्लांट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुल मिला के इतना पर्पज इतना नहीं समझने का, किसी भी आप कंपनी से आप ले सकते हो एक्सपीरियंस लेटर और 2 साल का और लेके डाल सकते हो। और इसमें तो सब बता ही दिया, आपका मैट्रिकुलेशन तो एकदम फाइनल होना ही चाहिए। और ये जो है दोस्तों 15/6/2023 के शाम 5 बजे तक इसका लास्ट ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उससे पहले आप लोग जाके फॉर्म कम से कम ऑनलाइन कर दो ताकि टेंशन ख़त्म हो जाए और एग्ज़ाम की तैयारी बिंदास होकर करते रहो और ड्यूटी भी करते रहो। बस आज का वीडियो में यही बताना था आप लोगों से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।